बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर होटल के समीप भगवानपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह दलबल के साथ मौजूद थे, तभी हरी ट्रक की तरफ से तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति तेजी गति से आ रहा था, जो कि थाने की गाड़ी देख भागने का प्रयास करने लगा। तभी थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने खदेड़ कर उस गाड़ी को रोका एवं उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उस युवक के कमर से एक देशी कट्टा बरामद हुआ है, जिसे थानाध्यक्ष ने जब्त कर उक्त युवक को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं उक्त युवक की पहचान तेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनपुर निवासी स्वर्गीय रोहित सहनी के 28 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है, जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b), (A)(26), (19), (20) आर्म्स एक्ट के तहत कांड 176(21) दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता बम बम कुमार की रिपोर्ट। चलो बैठो मैं। दिल्ली कोरियर ले आओ।